Hi guys, welcome to my channel. I hope you all are doing good. I am Neha Gupta and I make videos on fashion, beauty, lifestyle and styling tips. और मैं post करती हूँ daily इस channel पे एक video. And if you want to be a part of my journey, then do subscribe to my channel. आज की video है बहुत ही ज़्यादा interesting और सबकी और मेरी खुद की सबसे ज़्यादा favorite video जो कि है एक सरोजनी नगर haul video. तो मैं कल ही सरोजनी market गई थी and मैंने खूब सारी shopping करी है. विंटर्स के लिए भी लिया और समर्स के लिए भी काफी सारा सामान लिया मिक्स एंड मैच करके. भी सरोजनी नगर में करंट कलेक्शन में भी ऐसा ही है कि सर्दियों का सामान भी है और गर्मियों का भी है. मिक्स्ड सी कलेक्शन देखने को मिलेगी. एंड आप अगर आपको पूरे मार्केट की कलेक्शन चेकआउट करनी है तो आप मेरा व्लॉग वीडियो देखो, सरोजनी मार्केट एक्सप्लोर वीडियो जो मैंने बनाया, मैं उसे लिंक कर दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. एंड अभी के लिए शुरू करते हैं हॉल वीडियो के साथ. तो सबसे पहली चीज जो मैंने ली वो मैंने लिया एक ये फर का स्वेटर और ये इस पे ना काफी अच्छा ऐसे बड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट सा फर है और ये ऐसे ब्लश पिंक कलर में है, मुझे बहुत अच्छा लगा. ये इसकी वी नेक है एंड स्लीव्स भी काफी लंबी है और स्वेटर की लेंथ भी काफी ठीक है. इसको आप इजीली, मतलब ये स्वेटर ऐसा है कि दो तीन बारी आप इजीली इसे बाहर पहन सकते हो, उसके बाद आप इसे घर में पहनो, बहुत कंफर्टेबल रहेगा. एंड काफी मोटा भी नहीं है, पतला भी नहीं है. तो जो शू शू की सर्दी होती है ना, या जो एकदम एंड की सर्दी होती है, जब सर्दियां जा रही होती है या आ रही होती है, तो ट्रांजिशन वेदर के लिए ये स्वेटर काफी अच्छा रहेगा. और ये मैंने लिया 200 रुपए का. उसके बाद जो मैंने अगली चीज ली है वो है ये वॉर्म पजामा. तो ऐसे ये चेकर्ड प्रिंट में है और एकदम वॉर्म है. इसमें ना फ्लीस लाइनिंग लगी हुई है बाहर की साइड भी और अंदर की साइड भी, और ये ऐसे एकदम फ्री साइज में था तो मैंने घर में पहनने के लिए लिया है. एंड आई नो कि थोड़ा सा ढीला रहेगा ये मुझे, पर ठीक है यार विंटर्स में, पर ठीक है यार ऐसे घर में तो थोड़ा ढीले कपड़े ही मुझे अच्छे लगते हैं तो मैंने ले लिया. और ये एकदम वॉर्म पजामा है और बिल्कुल ना, मतलब इसे टच करके लग रहा है कि एकदम नया, मतलब ऐसे कोई जैसे सरोजनी में ना आपको थोड़ा यूज सामान भी मिलेगा, बट इसको एकदम टच करके ही लग रहा है कि एकदम ये न्यू है और बहुत सॉफ्ट है. और ये मुझे मिला 150 में. उसके बाद सरोजनी में सारी शॉप्स दिखी जो ना जहाँ पे स्टॉल्स और शॉल्स मिल रहे थे विंटर्स वाले. तो मैंने लिया एक ये क्लासिक चेकर्ड प्रिंट में, ये शॉल नहीं है बट स्टॉल से थोड़ा बड़ा है और शॉल से छोटा है, तो कुछ बीच का ही है, जो कि एकदम परफेक्ट लग रहा है मुझे इन टर्म्स ऑफ इट्स विड्थ. और ये ब्राउन, इसमें ना ब्राउन की बहुत सारी शेड्स हैं, ब्लैक चेक्स हैं एंड ऐसे और इसको ना आप इजिली स्टाइल कर सकते हो विंटर्स में, क्योंकि विंटर्स में ज़्यादातर ना ऐसे कलर पैलेट्स बहुत अच्छे लगते हैं, इवन ऑटम वेदर में भी. तो ईजिली आप इसको ऐसे करके ले लो अपने कोट्स के नीचे, तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा और बहुत वॉर्म भी है. और क्वालिटी वाइज भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, फील हो रहा है कुछ पुराना सा नहीं लग रहा एंड सॉफ्ट है, बहुत अच्छा मटेरियल है इसका. और ये मुझे मिला 200 रुपये. शॉप से मैंने वो स्टॉल लिया, उसके थोड़ा आगे चल के फिर मुझे एक और शॉप दिखी, वहाँ पे और ज़्यादा अच्छे स्टॉल्स मिल रहे थे. तो मुझे वहाँ पर मिला एक ये बहुत सुंदर सा ब्लश पिंक कलर का स्टॉल एंड इसमें से मोटे मोटे ना नीचे रफल्स गिवन है. और जो इसके बेस्ट पार्ट है वो है कि आप इसको ऐसे पहन लो एंड इट हैज़ पॉकेट्स यहाँ पर, तो दोनों साइड में ना यू गेट पॉकेट्स. तो सर्दियों में आप इसको ऐसे पहन लो और अपने ऐसे हाथ के अंदर डाल के बैठ जाओ. ये मुझे बहुत कूल सी लगी इसके बारे में चीज़, और फील बहुत सॉफ्ट है, पूरे में फ्लीस है इसमें. एंड मुझे बेस्ट थिंग, मैंने ये सिर्फ इसकी पॉकेट्स की वजह से ही लिया है. और ये भी मुझे मिला 200 रुपए का. चीज़ जो मैंने ली है वो है मेरी विंटर एसेंशियल्स, मतलब हर विंटर में मैं वो एक पेयर ऑफ शूज लेती हूँ एंड वो है ये घर में पहनने के बड़े कॉम्फी से स्लीपर्स एंड दिस इज हाउ इट लुक्स. इसमें पूरे में ना ऐसे यहाँ पे फर लगा हुआ है, अंदर की साइड फर है और बाहर इस पे ऐसे एक टेडी पेयर बना है. हाइट भी मतलब ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये ढीले हो जाएंगे कुछ है, तो आप बाथरूम में भी इसे इजिली पहन के जा सकते हो एंड दिस इज हाउ इट लुक्स. और ये मुझे मिले 250 के. इस पर बिल्कुल भी बार्गेनिंग नहीं करी उन अंकल ने, 250 बताया और 250 के ही उन्होंने ये मुझे दे दी. मैंने एक और पेयर ऑफ शूज लिए, वो हैं ये पिंक कलर में. सो इन पर ना वो टेडी बेयर नहीं बना, एकदम प्लेन है ये ऊपर से. और इनका जो सोल है वो पिछले वाले से भी ज़्यादा अच्छा है, देखो कितना मोटा इनका सोल है. और ये उससे सस्ते भी थे, ये थे 200 रुपये के. तो उस पर एक्चुअली टेडी बेयर बना था तो वो 250 के थे और इस पर ये सिंपल है तो ये दिस वॉज फॉर 200. और इसमें भी कुछ बार्गेनिंग नहीं करी उन्होंने, 200 के ही बताए और 200 के ही दिए. पर ठीक है यार, मतलब ठीक है, एक बार ले लो, आपका दो सीज़न तो निकल ही जाते हैं, तो मुझे तो ठीक लगा, मैंने ले लिए. उसके बाद लेट्स मूव ऑन टू द क्यूटेस्ट चीज़ जो मैंने पूरी शॉपिंग हॉल में ली है, दैट इज़ दिस टम्बलर. सी हाउ क्यूट इज़ दिस, इट सेज़ आई एम ओके एंड इस पर एवोकाडो बना है.
और इसको आप ऐसे नॉर्मल ऐसे पुश करोगे तो यहाँ से यू गेट दिस स्ट्रॉ एंड यू कैन ड्रिंक एनीथिंग इनसाइड दिस. क्यूट लगा तो मैंने ले लिया. एंड जनरली ना ये सब ऐसी चीज़ें ना बहुत महंगी मिलती हैं अगर आप ऑनलाइन अमेजोन पे या फिर मिनीसो पे देखो तो. मुझे वहाँ पे ये उन्होंने 250 रुपये का बताया था बट 200 रुपये में दे दिया, तो मुझे तो काफ़ी सुंदर सा लगा ये, मैंने ले लिया. एंड मेरे पास तो ये बहुत सारे मतलब मेरे पूरे घर में ऐसे टम्बलर्स ना भरे पड़े हैं बट मुझे बहुत पसंद आते हैं तो मैंने एक और ले लिया. एंड 200 में मुझे काफ़ी अच्छी डील लगी यार. कमिंग ऑन टू दिस सेकेंड लास्ट आइटम ऑफ दिस हॉल जो कि है को, तो मैंने लिए 5 नेल पेंट और ये मुझे 20 रुपीज ईच में पड़ी तो मैंने 5 ले ली क्योंकि मुझे काफ़ी सस्ता लगा. पहली है डार्क पीचिश पर्पल कलर में, उसके बाद मैंने एक लिया ब्लैक कलर, एक मैंने लिया ग्रे कलर, एक मैंने लिया ब्राउन कलर, थोड़ा कॉफ़ी कलर है ये, एंड अनदर इज ब्लश न्यूड ब्लश कलर. तो मैंने सारे ऐसे न्यूड बेसिक से कलर लिए. 20 रुपये का एक था तो मैंने 5 ले लिए 100 रुपये में. और लास्ट चीज़ मैंने लिए सरोजनी से वो है ये 2 क्लिप्स जो कि बिल्कुल बेसिक क्लिप्स हैं, तो इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है. 20 रुपये का मुझे एक मिला एंड एक मैंने ब्राउन में ले लिया, एक मैंने ब्लैक में ले लिया. तो दीज आर 2 क्लिप्स. वॉज ऑल अबाउट टूडेज हॉल वीडियो. और आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको सबसे अच्छा आइटम पूरे हॉल वीडियो में से क्या लगा. मेरा तो पर्सनली फेवरेट था वो स्टॉल जिसमें पॉकेट माय सिपर ग्रीन वाला. मेरे को तो ये 2 आइटम्स बहुत अच्छी लगी. और आप मुझे बताओ कि आपको सबसे अच्छा क्या लगा. एंड कॉमेंट डाउन बिलो कि अगर आपको ऐसी वीडियोज देखनी पसंद है तो मैं और आपके लिए सरोजनी वीडियो, सरोजनी हॉल्स या फिर वहाँ पे चैलेंज वीडियो शूट करूंगी. एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल बिकॉज बहुत सारे लोग वीडियोज़ देखते हैं बट वो सब्सक्राइब नहीं करते. तो यार सब्सक्राइब कर लो, बिल्कुल फ्री, आपको कोई पैसा नहीं लगेगा उसमें. एंड आपको हमेशा नोटिफिकेशन आ जाएगी जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूंगी. सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो कॉमेंट करके मुझे बताओ कि आपका फेवरेट पीस कौन सा था. एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर दिस वीडियो. अब आपको मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.